भारतीय संस्कृति बहुत समृद्ध है। अपने देश में कुल मिलाकर 29 राज्य हैं। हर एक राज्य की अपनी अलग संस्कृति और परंपरा है। अपने देश में अलग धर्म, भाषा, जाति, संस्कृति, जीवन शैली, पोशाक पहनने का तरीका राज्य के अनुसार बदलता जाता है। तो ऐसे ही कुछ राज्यों को चुनकर हम उन राज्यों के पोशाक यहाँ सादर करने वाले हैं। तो प्रस्तुत कर रहे हैं भारत की एकता, एक फैशन वॉक। हम उत्तर से शुरू करके दक्षिण भारत तक का पोशाक सफर आपके सामने लाने के लिए सबसे पहले बुलाते हैं जम्मू और कश्मीर के रहवासियों को। स्थापित ये राज्य जगभर में अपने नैसर्गिक सुंदरता के लिए मशहूर है। इसे पैराडाइज ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है, मतलब पृथ्वी पर जन्नत। लद्दाखी, गिलगिटी, हुंजा, डोगरा, गुजरी, यह कुछ कश्मीरी महिलाओं के पोशाक के प्रकार है। इसी प्रकार में से एक कोशुर प्रकार यहाँ पे पेश करने आ रहे हैं साक्षी धोंगड़ी एंड अंकिता चौधरी। राजस्थान भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। यहाँ की संस्कृति दुनिया भर में मशहूर है। अपने सभ्य स्वभाव और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है ये राज्य। राजस्थान का नाम लेते ही आंखों के सामने रेगिस्तान, ऊंट की सवारी, घूमर, रंग बिरंगी पारंपरिक परिधान। वहाँ की महिलाओं के पारंपरिक पोशाक घाघरा चोली और ओढ़नी इस तरह का है। उस पोशाक को प्रस्तुत करने आ रहे हैं शुभांगी मिस्किन और प्राजक्ता मिस्किन। वेस्ट बंगाल पूर्व भारत में स्थित यह राज्य साहित्य और कला के लिए जाना जाता है। यह राज्य अपने मिठाइयों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। बंगाल की राजधानी कोलकाता अपने हावड़ा ब्रिज के लिए जग भर मशहूर है। यहाँ के लोग दुर्गा पूजा को बहुत महत्व मानते हैं। दुर्गा पूजा के उत्सव के वक्त यहाँ की महिलाएं अपना पारंपरिक पोशाक मतलब बंगाली साड़ी जो कि सफ़ेद और लाल काट की होती है उसी को परिधान करते हैं। वह पोशाक प्रस्तुत करने आ रहे हैं सौ वैशाली बारड़ और सौ विजया चौधरी। फागुने रो मोहनाय फागुने रो मोहनाय मन मातानो मोहुआय रंगिनी बिहुर निशा कोन आकाशे निये जाय फागुने रो मोहनाय फागुने रो मोहनाय मन मातानो मोहुआय गुजरात। गुजरात सांस्कृतिक विविधता के साथ एक समृद्ध राज्य है। गुजरात राज्य संस्कृति, कला, भाषा, आविष्कार, रीति रिवाज, परंपराओं का एकत्रित मिश्रण है। गुजरात में त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे कि संक्रांति के समय पतंग खेलकर और नवरात्रि के समय दांडिया रास और गरबा खेलकर। दांडिया और गरबा रास के समय पुरुष का पारंपरिक पोशाक को खेड़िया कहते हैं और महिलाएँ रंग बिरंगी घाघरा चोली पहनकर पूरी तल्लीनता से रास का आनंद लेती है।
ऐसे ही राष्ट्र को प्रस्तुत करने आ रहे भक्ति साधु अश्विनी चौधरी। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए भैयो हाय हाय। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए भैयो हाय हाय। आशानी के महाराष्ट्र अपने देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और जितना बड़ा राज्य है उतनी ही खोल इसका इतिहास, संस्कृति और परंपरा है। महाराष्ट्र विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है, मराठवाड़ा, विदर्भ, खानदेश, कोंकण आदि, तथा प्रत्येक क्षेत्र के लोक गीत, भोजन, जातीयता, यहाँ तक कि मराठी भाषा के भी विभिन्न बोलियाँ के रूप में अपनी खुद की सांस्कृतिक पहचान है। खास तौर से महाराष्ट्र अपने मराठा साम्राज्य के राजा शिवाजी महाराज और उनकी स्वराज्य अवधारणा के कारण दुनिया भर में पहचाना जाता है। यहाँ की महिलाएं पारंपरिक पोशाक काष्ठा ये है जिसे नववारी के नाम से भी जाना जाता है, तो नववारी परिधान करके आपके सामने आ रहे हैं उमा झाड़ और शीतल काटे। तमिलनाडु ये राज्य प्राचीन संस्कृति से समृद्ध राज्य है। अपने साहित्य, कविताओं और संगीत के लिए ये मशहूर है। भरतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य प्रकार तमिलनाडु से उत्पन्न हुआ था, जो कि जगभर में अपने विशेष स्थान पर है। वहाँ की महिलाओं का पारंपरिक पोशाक सिल्क साड़ी है। कांजीपुरम वहाँ जहाँ खास आकर्षण कांजीपुरम शहर का वहाँ पे खास आकर्षण है, जहाँ की कांजीपुरम साड़ियों का हैंडलूम्स है जो कि पूरे देश में निर्यात किए जाते हैं। इसी सिल्क साड़ी को पेश करने आ रहे हैं सौ स्मिता पवार, सौ गीता भांडगे। गजब की है बोली, गजब की है भाषा, गजब का हमारा अंदाज है। रूप अलग है, रंग अलग है, बोलने का ढंग अलग है, पर सबसे मिलकर है भारत की शोभा सारी। अनेकता में एकता से लगती है भारत भूमि अंबर से भी प्यारी। अब विविधता में एकता, जो अभी अलग अलग राज्य आपने देखे, वो अब सब मिलके एक वॉक करेंगे। Mast nazaron se
करेंगे। आओ मिलकर करें सहयोग, अपनी ताकत अपने हाथ, कदम से कदम मिलाते जा, हौसला दिखाते जा। हमें देश की इस विविधता में एकता को अखंड रखना है। उरी पुलवामा में जो आतंकवादियों ने अटैक किया, हमारे शूर सैनिकों को बलिदान देना पड़ा, उसके लिए हमारे मन में वेदना है, पर हम हमेशा उन सोल्जर के साथ हैं और हम हमेशा उनका मनोबल बढ़ाएंगे और याद रखेंगे हम सबसे पहले सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतला सस्य श्यामलां मातरम। वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखद